Rup rup ke na dekh rup rup ke. Everybody, rup rup ke na dekh rup rup ke. Dekh bina break. Download Tuck app. देखिए आपको सिक्योरिटी यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, यहाँ की कई तस्वीरें हैं, ये देखिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं जो यहाँ पर अभी प्लेस्ड हैं और यहाँ से आगे मार्च करेंगे। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाऊंगा जहाँ पर ड्रोन कैमरा, ये देखिए ये लेफ्ट साइड पर जो ये पूरी टीम है इनके पास ड्रोन कैमरा है, जो बीच बीच में ड्रोन कैमरा जो है वो उड़ाया जाता है। ये आप सिचुएशन में आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है और ये बीच बीच में जब फ्लैग मार्च होगा तो जाहिर तौर पर उड़ाया जाएगा। एक तस्वीर ये देखिए, ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं यहाँ पर जो तैनात हैं। तीन तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, चौथी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखिए वज्र वाहन है वहाँ पर और बिल्कुल एक तरह से कहा जाए इसी जगह पर पूरा हंगामा हुआ था जहाँ पर वज्रवान तैनात है। यहाँ पर एक कुछ अलग तरीके के इक्विपमेंट्स हैं और इससे करंट निकलता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये दरअसल CRPF के जवान हैं जिनके पास ये ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिससे करंट लगता है अगर कोई आगे आना चाहे। तो आपने देखा किस तरह से अलग तरीके से इक्विपमेंट्स हैं जिसमें करंट निकलता है। मैं आपको और सिचुएशन दिखाना चाहूँगा, ये आप देखिए तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यानी जो इस वक्त यहाँ पर तैनात हैं और ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, उनके ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में है लेकिन बिगड़ ना जाए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर CRPF रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं जो लगातार जो है यहाँ इंस्टॉल्ड है। इधर देखिए महिला इनकी ब्रिगेड है वो भी यहाँ पर तैनात है, इसके अलावा वहाँ पर वज्र वाहन है, यानी कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इन तमाम बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। और इसी बात को लेकर यहाँ पर क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हंगामा बरपा था और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कि हंगामा और ना इसमें सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फिलहाल सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। मैं एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे आप देखिए काफ़ी बड़ी कंपनी है जो रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी है जो यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पर खुद इलाके के DCP भी मौजूद हैं। ये वही जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगा ज्योति, ये देखिए आप वज्र वाहन यहाँ पर तैनात हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा हंगामा बरपा था, लेकिन आज चूँकि जुम्मे का दिन है तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट की गई है। तो किस तरह से सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस ने यहाँ सीलमपुर में की है? हमने यहाँ एहतियातन तौर पे सभी संवेदनशील क्षेत्रों पे अपने ऑफिसर डिप्लॉय कर रखे हैं और सभी जगहों पे जो पुलिस फोर्स है वो इलाके पे मौजूद है और यहाँ के जो अमन कमेटी के लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं और मस्जिदों से जो मौलवी इमाम हैं, हम लोगों ने उनसे पिछले 10 दिनों में काफ़ी मीटिंग्स की हैं, तो हमें उम्मीद है कि आज यहाँ अमन और शांति बरकरार रहेगी। सर आज तक को करोड़ों लोग देखते हैं, ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर अगर सीलमपुर की बात करूँ किस तरह से अपील करना चाहेंगे दिल्ली को, क्योंकि आपके सीनियर ऑफिसर्स भी सारी ये चीज़ें देख रहे होंगे। हम लोग यहाँ यही अपील करना चाहते हैं कि इलाके में शांति बनाए रखें और पुलिस की मदद करें कानून व्यवस्था को बनाए रखने में और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें।